कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां खत्म कर दें, अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखें। आज जो मैं आपको वजीफा बताने जा रही हूं कि लड़कियों के लिए है कि उनके पैगाम निकाह के यानी कि शादी के पैगाम बहुत ज्यादा आए और कसरत से आए, कि जिनकी बंदिश की गई है, अक्सर लोगों की बंदिश भी कर दी जाती है, तो ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा अपना तरीका इख्तियार करना है कि इससे जो है शादी के पैगाम आने लग जाएंगे और जितनी भी उस बच्ची के ऊपर बंदिश होगी या उसके घर पर बंदिश होगी या उसके रिश्ते पर हसदखोरों ने बंदिश लगा दी होगी, तो ये अमल वो बहने और वो बेटियां करें, और खासकर ये माओं को चाहिए कि जरूर इस चीज का ख्याल रखा करें। कि ऐसा होता है कि अक्सर दफा कोई बंदिश करवा देता है, जैसे कोई किसी ने रिश्ता मांगा होता है तो वो आप लोग नहीं पसंद करते, उसको आप नहीं देते, तो बहुत जालिम ये दौर चल रहा है कि फौरन ही उसका बुरा सोचते हैं और उस पर बंदिश करवा देते हैं, या कोई उल्ट पुल्ट करोगे तो कोई ना कोई असर जरूर हो जाता है। अगर किसी को कुछ करना भी ना आता हो, वो उल्ट पुल्ट अगर कोई गलत काम कर दे तो उसका वो असर जरूर उस बच्ची पर आ जाता है, तो इस चीज का ख्याल रखा करें। और दूसरा, बच्चियां जो उनसी हैं, अपने बालों को हमेशा, जब भी आप अपने बालों को बनाते हो तो जितने भी बाल उतरते हैं उनको कैंची से काट दिया करें, काट के उसको दफना दिया करें या फिर कूड़े में फेंका करें। पूरा लंबा बाल आप कभी भी कूड़े में मत फेंका करें, इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। ये बहुत नायाब, मैंने आज आपको एक बात बताई है कि अब खवातीन अपने बालों को मुकम्मल टूटा हुआ बाल जो उनका है कभी भी कूड़े में नहीं फेंके या किसी जगह पर नहीं फेंके, किसी जगह पर नहीं लगाएं, बल्कि जब आप बाल बनाए इनको काट दें, इनके ऊपर जादू होता है। बंदिश औरत की इसी चीज पर होती है और मर्दों की भी बंदिश उनके पूरे बालों से होती है। ठीक है, एक बात मैं आपको जो बताना चाहती थी वो मैंने बीच में रह गई, लड़कियों की कसरत से जो पैगाम आने की है। तो मेरा दिल चाहता है कि जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है या जितनी भी मेरे पास अल्लाह पाक ने मुझे समझ दिया, उस पर जब भी मुझे कोई समझ आती है कि यहाँ पर ये बात करनी है तो वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो लड़कियों के लिए जो है पैगामे शादी की जो कसरत से आए, तो इसके लिए सूरह अहज़ाब को हिरन की छाली यानी कि हिरन की छली पर, हिरन की छली के ऊपर या कागज पर, अगर देखिए हिरन की छली होती है महंगी होती है, तो अगर कोई इतना अफोर्ड भी नहीं ना कर सकता तो कागज के ऊपर लिख कर एक डब्बे में ना बंद कर लें, डब्बे में बंद कर लें, और डब्बे को बंद करके आप उसको रख लें। और फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर हरे रंग का कपड़ा डाल दें और फिर देखें और कोशिश करें कि जहां पर आप वो डब्बा रखते हो वहां पर आप लोगों का आना जाना हो, रास्ता हो, घर के बिल्कुल कमरे के ऊपर अगर रखते हो तो कमरे में शर्त बना के उसके ऊपर रख सकते हो, दरवाजे के आगे रख सकते हो, पर रखना डब्बे में ताकि वो बंद हो जाए। और कोशिश करें उसको थोड़ा सा कोई खुशबू लगा दें, कोई उसके अंदर खुशबू रख दें, या कोई अगरबत्ती तोड़ के उसके अंदर रख दो, या कोई अत्तर लगा के ना उस कागज को बड़ा खूबसूरत सा करके रखो। यकीन मानिए आपके घरों में इतनी रिश्ते की रेल पेल हो जाएगी कि, और ये इतना नया वजीफा है कि अगर कोई बहन या भाई चाहता है कि हमारा फलां जगह रिश्ता हो जाए, आप उधर पैगाम भेजो इस्लामी तरीके के हिसाब के मुताबिक, अपने वालदैन से बात करो, ठीक है, तो देखिएगा फिर वालदैन भी बहुत जल्दी आप लोगों से मान जाएंगे। ये बहुत नायाब है, आप लोग अपने वालदैन से बात करो, अगर नहीं कर सकते तो दिल में अपने रखो, अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर ये अमल करो और जिस तरह बताया गया बिल्कुल वैसे करो। आपने कागज पर सूरह अहज़ाब लिख कर तो आपने डब्बे में रख लेनी है, खुशबू लगा देनी है, खुशबू लगाकर डब्बे को बंद करके हरे कपड़े में रख दीजिएगा, ठीक है, तो फिर इसके अल्लाह पाक की तरफ से देखिएगा कितनी कसरत से आपके घर शादी के पैगाम आते हैं। जिन लोगों की बंदिश हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, फौरन बंदिश टूटेगी और रिश्ते आने लग जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा रस्ते में रखें ताकि गुजरने वाला वहां से गुजर के आ जाए, जितने भी आपके घर के फैमिली मेंबर्स हैं बाहर अंदर जाते हैं, तो फिर देखिएगा। इसी अमल के साथ इजाजत चाहती हूँ, अमल का गलत इस्तेमाल ना करें, शरीयत के हिसाब से मैं समझाती हूँ, तो आप शरीयत का बीच में रख कर तो फिर ये अमल कीजिएगा ताकि अल्लाह पाक आपको गुनाह से दूर रखें, या मैं भी चाहती हूँ कि आपसे कोई गुनाह सरजद ना हो। तो इजाजत चाहिए, इजाजत दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह जरूर आप कामयाब होंगे। और अगर कोई बात नहीं समझ आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कह सकते हैं, बता सकते हैं, ईमेल का तरीका आपको बताया गया डिस्क्रिप्शन में है, ईमेल कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।